हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ बेटी की सुबह सुबह, टाइम भी बहुत कम है, ब्रेक मतलब स्कूल टिफ़िन, तो मैं उसे टिफ़िन में आज बना रही हूँ। पास्ता बना के दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप भी बना सकते हो घर में, बहुत जल्दी बन जाता है। सो इसे बनाते हैं, चलिए मेरे साथ बने रही आप। ऑयल गर्म बैठा चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन, मैं एक छोटी साइज की ऑनियन चॉप करके रखी थी, उसे मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, बच्चे तो ऐसे वेजिटेबल खाते भी नहीं है, मेरी बेटी तो बहुत ही नाक करती है, मैं इसलिए इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर के हल्का फ्राई कर लेते हैं। अब हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। मैं पहले पास्ता में पानी, थोड़ा सा नमक से इसे बॉईल करिए, तो नमक का ध्यान रखिए आप, ज़्यादा ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, पास्ता को जो बॉईल करके रखी थी मैं, इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ना सुबह सुबह आप क्या बनाएंगे, 6 बजे टिफिन आपको पैक करने पड़ता है, और आजकल तो बच्चा लोग मैगी, चाउमीन, पास्ता ये सब भी ज़्यादा अच्छा पाता है। बेटी कल ही बोल रही थी मम्मी मुझे पास्ता देना, बहुत कम टाइम में बन के रेडी हो जाता है, 3 से 4 मिनट में। अब इस पास्ता में हम और टेस्ट आने के लिए इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला, ये बहुत ही टेस्ट होता है, मेरे बेटी को बहुत पसंद है, इसमें मैं थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ। अब इसे चला लेंगे, पास्ता बन के ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। मैगी मसाला देने के बाद अब इसे 1 मिनट भी नहीं चाहिए इसे पकाने, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे टिफ़िन में पैक कर देते हैं, टिफ़िन में डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसे टिफ़िन में डालेंगे। ये टिफिन में आ गया है, थोड़ी सी जगह रखी हूँ मैं सॉस देने के लिए, और यहाँ पर टमाटर सॉस। देखिए फ्रेंड्स, टिफिन मेरा कंप्लीट हो चुका है, पैकिंग करेंगे, बेटी को स्कूल भेजेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।